डीएसएल की विंडो चेंज करके उसको मौत के खून में डालना के मतलब कि आ बैल मुझे मार, वो वाला हिसाब हो गया कि आपको पता है कि आईपीएल जब चलता है तो कोई बोर्ड अपना मैचेस नहीं करवाता, कोई सीरीज नहीं होती, उनको पता होता है कि वो लोग सीरीज नहीं देखेंगे, आईपीएल को देखेंगे, और आईपीएल के दौरान में आपने पीएसएल का सोच दिया है। इसका एक ही हल है, क्या पैसे बढ़ा दें जो ये करते हैं। लेकिन एक चीज देखें, हमारा एक बार सॉरी काट रहा हूं, हमारा प्लैटिनम के कितने पैसे हैं? 4.5 करोड़ रुपए। उनका 16, 17, 18 करोड़ में जाता है उनके रुपीज में, ठीक है, डबल ट्रिपल, ठीक है। आप मुझे ये बताएं ना कितना फर्क है, आप इतना दें, मैं ये नहीं कह उन जितना दे दें, लेकिन फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, दुनिया की अगर सबसे महंगी क्रिकेट कहीं होती है ना तो वो आईपीएल में होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात। पीएसएल एक्सपोज हो जाएगा इस दफा, ये मैं कह रहा हूं, हमारे कुछ मीडिया और ये ब्ला ब्लू लोग कह रहे हैं अगर पीएसएल ये कर देगा वो कर देगा, पुत्र मेरी एक बात सुनो, आपका कोई फॉरेन प्लेयर खेलने आएगा? आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती है तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से, तो मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए कि अलग अलग हो। इतना पैसा पाकिस्तान कहां से लाएगा? पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड्स पिछले 20-30 साल से जो हालत में पड़े हैं, टूटे फूटे बिना कुर्सियों के, रेंट की कुर्सियां, जहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं, जहां पे यानी कि ऐसे क्रिकेट ग्राउंड है पाकिस्तान के कि जब पीएसएल होते हैं तो खेलने का मजा ही नहीं आता वहां। यार इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा हुआ है, स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मसल बात ये भी तो देखें उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं, डगआउट में लेजेंड्स बैठे होते हैं और टीम्स में लेजेंड्स और या टॉप के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उनको भी लोग जो है वो देखने आते हैं। हमारे पूरे का पूरा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आज तक ये समझ नहीं आई कि स्ट्राइक रेट होता क्या है, आपको किस तरह खेलना है, और बाकी भी बहुत सी ऐसी टीम्स हैं जो अभी इस चीज़ को समझ नहीं पाई हैं। जो भी टीम सबसे पहले तो जब खेलती है इंडिया के सामने आती है तो स्ट्राइक रेट तो भूल ही जाती है, वो कहती है पहले स्कोर ही पूरा कर ली बड़ी गाल है, ठीक है। तो वो मॉडर्न क्रिकेट जो इस टाइम हमें जो दिखाई दे रही है वो अभी भी आज भी इंडिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं। सही बात है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान ने पाकिस्तान प्रीमियर लीग पीएसएल भारतीय क्रिकेट लीग यानी आईपीएल के साथ साथ कराने का फैसला लिया है। दोस्तों इसका मतलब सरासर यही बनता है पाकिस्तान ने जानबूझकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये फैसला लेने के बाद पाकिस्तान में बैठे हर कोई फुटफुट कर रोने लगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं। हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं देखिए सवेरा, जो बड़ी लीग्स होती हैं वो हमेशा अपना कैलेंडर देखती है एंड देन उसके बाद पूरे लीग्स जहाँ जहाँ हो रही होती हैं लीग्स उनके साथ फिर कोशिश करते हैं कि ताकि लड़के आधे उधर या आधे इधर ना चले जाएं, और ये सारे प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लड़के जब फ्री होते हैं वो आते हैं पीएसएल का एक्सपीरियंस करते हैं या बांग्लादेश लीग या बिग बैश का करते हैं एक्सपीरियंस, तो लड़के फ्री होते हैं उस टाइम पर, कोई और लीग नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेम टाइम पर दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से ज़रा ज़्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से, तो मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए कि अलग अलग हो। पीएसएल और आईपीएल आमने सामने आ गए, हमें बात पे गौर करना, पीएसएल और आईपीएल एक साथ टकरा चुके हुए हैं। आगे पीछे हम बड़ी बहस करते हैं, भाई हमारी लीग आईपीएल से अच्छी है, हमारी लीग ये है, वो लोग कहते हैं आईपीएल उनकी बेस्ट है, हर भी बड़ा क्लैश चलता है। लो जी फिर ऐसा होगा कि उन्होंने कहा कि एक साथ इनको करवा लो, पता चल जाए कौन सी लीग कितने पानी के अंदर है, दूध का दूध और पानी का पानी होकर रह जाएगा, किसकी लीग बड़ी है और हमें पता है किसकी बड़ी है। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है बड़ी बुरी तरह से पिटने वाले हैं। अब देखिए ना, चैंपियंस ट्रॉफी तो होस्ट करना हमारा काम है कि उसको तो करना ही है, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो पीएसएल की विंडो चेंज करना बिल्कुल सही है, लेकिन पीएसएल की विंडो चेंज करके उसको मौत के खून में डालना के मतलब कि आ बैल मुझे मार, वो वाला हिसाब हो गया कि आपको पता है कि आईपीएल जब चलता है तो कोई बोर्ड अपना मैचेस नहीं करवाता, कोई सीरीज नहीं होती, उनको पता होता है कि वो लोग सीरीज नहीं देखेंगे, आईपीएल को देखेंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का पूरा रिएक्शन देखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। थोड़ी बहुत खिलाड़ी पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेलने के लिए जाते थे, लेकिन दोस्तों वो भी अब नहीं जाएंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जो आईपीएल को छोड़ के पीएसएल खेलेंगे। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को अब ये डर सताने लगी है कहीं आईपीएल के दौरान पीएसएल करने के बाद बिल्कुल पीएसएल गटर में चली जाएगी। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।